हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा आज आप लोग के लिए जो नया टॉपिक लेकर के आए हैं, उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है संपत्ति से संबंधित। संपत्ति अगर किसी का कोई विवाद हो गया है कब्जा से संबंधित, तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर किसी ने दूसरे की अचल संपत्ति पर 12 साल तक अवैध कब्जा कर रखा हो तो उसे कानूनी अधिकार मिल जाएगा, उस संपत्ति का वह मालिक हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने ऐसी संपत्ति में जो कब्जे की संपत्ति है उससे संबंधित ऐतिहासिक जो निर्णय दिया है वो मैं आज आप लोग के सामने डिस्कस करूंगी। और दूसरी बात कि ये किस अधिनियम के द्वारा ये जो है 12 साल जो है लागू होता है, और क्या जो संपत्ति है किसी की प्राइवेट संपत्ति है क्या सरकारी संपत्ति को भी कब्जे में लिया जा सकता है, तो इससे संबंधित जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, किस जस्टिस ने निर्णय दिया है और क्या निर्णय दिया है, उन्होंने अपने निर्णय में क्या 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 कहा है, तो मैं आज आप लोग के सामने ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास 12 साल से उसके पास अवैध कोई कब्जे के द्वारा कोई ज़मीन उसके पास है, किसी व्यक्ति की कोई प्राइवेट ज़मीन, सरकारी ज़मीन की नहीं बात कर रहे हैं, देखिए अवैध जो अचल संपत्ति की बात की गई, कोई अगर कब्जे में लिया है तो इसमें प्राइवेट एक संपत्ति होगी, एक सरकारी संपत्ति होगी, तो प्राइवेट संपत्ति के लिए भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है और सरकारी संपत्ति के लिए भी उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी की प्राइवेट संपत्ति को 12 वर्ष तक लगातार उसमें रह रहा है, उसके कब्जे में है, किसी भी तरीके से उसके कब्जे में है, तो अगर जो उसका मेन उसका मालिकाना हक है, जो उसका जो स्वामित्व है, अगर वो जाता है 12 वर्ष के बाद कहता है कि मेरी संपत्ति मुझे वापस करो, तो ऐसे में वो व्यक्ति जिसने उसको कब्जे में ले रखा था अगर वो वापस नहीं करेगा, उसको पूरा अधिकार है, वो संपत्ति जो कब्जे वाली संपत्ति है उसका पूरा अधिकार है उसको दिया जाएगा। तो जो में जो स्वामित्व है वो न्यायालय में जा कर के जो है अपने जो है न्यायालय में जा कर के प्रस्तुत करे, उसको प्रूफ करे, तब न्यायालय अगर चाहेगी तब उसकी संपत्ति वापस होगी, नहीं तो जिसने 12 वर्ष तक लगातार कब्जा कर रखा है उसको ये संपत्ति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कौन से एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट मीन्स परिसीमन अधिनियम। लिमिटेशन एक्ट 1963 के हवाले के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला दिया कि किसी ने दूसरे की अचल संपत्ति पर 12 साल तक अवैध कब्जा कर रखा था उसे कानूनी अधिकार मिल जाएगा। अगर 12 वर्ष के अंदर जो स्वामित्व है उसने वो कब्जा जो है अवैध कब्जा नहीं हटाया, अगर वो 12 वर्ष के पहले अगर वो अवैध कब्जा हटा लेता है तो संपत्ति उसको पुनः वापस मिल जाएगी और वो संपत्ति ले सकता है। अगर वो 12 वर्ष के बाद वो संपत्ति उसको जो है उसने नहीं हटाया, जिसने कब्जा कर रखा है, जिसको अगर उसने किसी को संपत्ति दे भी रखी है, अगर उसके कब्जे में है, उसका प्रयोग कर रहा है 12 वर्ष तक लगातार, तो वो उसको तब पर भी उसको मालिकाना हक मिल जाएगा, वो संपत्ति उसी की हो जाएगी। जो मेन ओनर है, जो मेन उसका स्वामित्व है, उसको न्यायालय में जा कर के ही उसको उपचार मिलेगा, उसकी संपत्ति वापस मिलेगी, नहीं तो अगर उसको अवैध तरीके से उसको कब्जे से हटा रहा है, ज़बरदस्ती उसको भगा रहा है 12 वर्ष की, तुम निकल जाओ मेरी संपत्ति से मारपीट की, तो न्यायालय ऐसे केस में, उच्चतम न्यायालय ने इस ऐसे संबंधित केस था उसमें निर्णय दिया है कि वह संपत्ति 12 वर्ष तक परिसीमा अधिनियम के द्वारा, वो जो 12 वर्ष में तक लगातार उसमें उसका कब्जा था, उसमें रह रहा था, वो संपत्ति उसी की है, जो मेन उसका उसको जो है त्राधिकारी उसका मालिकाना हक है, जो उसका स्वामित्व है वो संपत्ति उसकी नहीं है। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निजी अचल संपत्ति पर, निजी अचल संपत्ति पे 12 वर्ष की बाद लगातार 12 वर्ष तक सरकार वो अगर कोई कब्जा है तो वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। अब सरकारी अचल संपत्ति, अब सरकारी अचल संपत्ति में जो लिमिटेशन टाइम पीरियड दिया गया 30 वर्ष तक, अगर किसी व्यक्ति की 30 वर्ष तक
जिस दिन से उसने कब्जा किया है, कब्जा से 30 वर्ष तक अगर उसके वहाँ पे रह रहा है, उसके अंडर में है, उसका प्रयोग कर रहा है, किसी 30 वर्ष तक कोई उसको बीच में कहने नहीं आया कि ये संपत्ति खाली कर दो, तो वो संपत्ति उस व्यक्ति की हो जाएगी। अब उच्चतम न्यायालय के जो जस्टिस है उन्होंने जो निर्णय दिया है, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नाजिर एंड जस्टिस एम आर शाह, इन लोगों ने, इनकी जो बेंच थी उस बेंच के द्वारा व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा है कि अगर किसी 12 साल के पहले जो अवैध उसने कब्जा किया है, चाहे निजी संपत्ति हो चाहे या सरकारी संपत्ति हो, अगर उसको नहीं हटाया जाएगा तो संपत्ति पे जो दोबारा अधिकार प्राप्त करने जा रहा है, जो स्वामित्व है, अगर तो उसको कानून के शरण में जाना पड़ेगा, कानून के द्वारा ही वो संपत्ति उसको वापस मिलेगी। उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि अगर किसी की संपत्ति उसके कब्जे में, वो व्यक्ति लगातार कानून रूप से वो जो है उसमें रह रहा था, वो बिजली बिल पे कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाटर टैक्स दे रहा था, बहुत उसमें रह रहा था, कोई आज तक कहने नहीं आया है, जो स्वामित्व था वो भी नहीं उससे कहने आया कि मेरी संपत्ति ले, तो पूछने भी नहीं आया, वो उसकी देखभाल कर रहा था, तो ऐसे में अगर वो 12 वर्ष के पहले आता है कि तू मेरी संपत्ति खाली कर दो, मुझे इसका प्रयोग करना है, मुझे यूज़ करना है, मुझे इसका काम है, तो जिसने भी अवैध कब्जा कर रखा था, अगर वो 12 साल के पहले एग्री हो जाता है तो वो अपनी संपत्ति वापस ले सकता है, उसको न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो 12 वर्ष के बाद जाता है, उससे कहता है मेरी संपत्ति मैंने तुमको दी थी, अब मुझे वापस कर दो, तुम चले जाओ, अब मैंने कुछ समय के लिए दिया था, लेकिन 12 वर्ष अगर पूर्ण हो जाते हैं, 12 वर्ष के बाद अगर जा रहा है, तो वह संपत्ति क्या होगी, उसकी हो जाएगी, तो जो मेन उसका जो स्वामित्व है उसको न्यायालय के द्वारा जा कर के वहाँ से उपचार जब मिलेगा तब उसको वो संपत्ति वापस दी जाएगी। ऐसे ही सरकारी कोई संपत्ति में कोई रह रहा है 30 वर्ष तक लगातार, 30 वर्ष तक वहाँ रहा और 30 वर्ष के पहले अगर कोई आया सरकार उससे खाली कराने के लिए, तो उस आराम से उसकी वो सरकारी संपत्ति वापस मिल सकती है। अगर 30 वर्ष के बाद जाता है तो सरकार को भी न्यायालय में जा करके उसकी संपत्ति को जो है पुनः वो क्लेम करके अब सरकार को अपनी संपत्ति वापस पुनः लेनी पड़ेगी। लेकिन 30 वर्ष के बाद अगर वो जाती है तो न्यायालय के शरण में ही जाना पड़ेगा, तभी उसको मालिकाना हक दिया जाएगा, उसका हिस्सा दिया जाएगा, उसके ऊपर जो भी वादी का, अगर वादी ने केस किया कि मेरी संपत्ति पुनः वापस कर दी जाए, तो न्यायालय उचित विचार करेगी। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है कि हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है, परिसीमन अधिनियम 1963 के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि निजी संपत्ति को 12 वर्ष तक अगर कोई प्रयोग करता है तो उसका वो स्वामित्व हो जाएगा, सरकारी अगर कोई संपत्ति है वो 30 वर्ष तक उसका प्रयोग कर रहा है तो उसका जो है वहाँ पे मालिकाना हक हो जाएगा। तो संपत्ति से संबंधित जो उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है, बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है, लेकिन इसको ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारी संपत्ति है उसको हम उसको सुरक्षित तरीके से कैसे रह सकते हैं कि भविष्य में कोई विवाद ना हो, विवाद मतलब कि न्यायालय में ना जाना पड़े। तो फिर आज आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।